वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 12 इनकम टैक्सेस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है फ्रेश कंपनी। फ्रेश कंपनी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर एट 31 दिसंबर ईयर 5। इट हैड अ लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स जो कि टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट था 77,000 का। द टैक्स ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर ईयर 6 वाज 114,000। The tax charge for the year to 31st December year 5 was overestimated by Rs. 6,000. Overestimation मतलब over provision हो गई। तो actually यानी 77,000 हमने accrue किया था लेकिन overestimate हो गया, actually हमें 71,000 pay करने पड़े। During the year to 31st December year 6, the company made payments of Rs. 123,000 in income tax consisting of payment of year 5 tax जो कि 71,000 है और एडवांस टैक्स पेमेंट ऑफ ईयर 6 जो कि Rs. 52,000 है। सो प्रिपेयर लेजर्स एंड कैलकुलेट द टैक्स चार्ज फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर ईयर 6 टू इंक्लूड इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। और द लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स एज एट 31 दिसंबर ईयर 6 टू इंक्लूड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली हमें लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं और उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन में फिगर्स रिफ्लेक्ट हो रही होंगी उनको भी हम लेजर से भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और अदरवाइज भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो करंट टैक्स लेजर और एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। सबसे पहले हम टैक्स एक्सपेंस का एक टी अकाउंट बना लेते हैं और इसी तरह टैक्स पेबल का टी अकाउंट भी बना लेते हैं। तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ओपनिंग लायबिलिटी है जो लास्ट ईयर से रिलेट कर रही है क्योंकि हम ईयर 6 की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो ईयर 5 के एंड पर जो लायबिलिटी थी वो हमारा ओपनिंग बैलेंस कंसीडर हो, दैट इज 77,000। तो इसे टैक्स पेएबल में हम ओपनिंग लायबिलिटी के बैलेंस के तौर पर रिफ्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो टैक्स चार्ज है वो 6,000 से ओवर एस्टिमेटेड था, यानी हमें ओवर प्रोविजन की जो एंट्री पास करनी है तो हमें 6,000 से अपने एक्सपेंस को रिवर्स करना है। जब हम एक्सपेंस रिवर्स करेंगे तो हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी, टैक्स पेएबल डेबिट एंड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। फिर हमें लास्ट ईयर से रिलेटेड 71,000 की पेमेंट करनी पड़ी तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब आप लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी डेबिट हो जाती है और बैंक क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पर आप अगर अभी तक का इम्पैक्ट देखें तो जो हमारी ओपनिंग लायबिलिटी 77,000 की थी वो ओपनिंग लायबिलिटी अब ख़त्म हो गई है, 6,000 की रिवर्स हो गई और 71,000 से पेमेंट हो गई। और क्योंकि 6,000 लास्ट ईयर से रिलेटेड हमने करंट ईयर में एडजस्ट किए हैं तो करंट ईयर में 6,000 से अभी टैक्स एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट आ रहा है, यानी इनफैक्ट ये टैक्स इनकम आ रही है हमारे पास। बट अब हम ईयर 6 की एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे और ईयर 6 में जो पहली एडजस्टमेंट है वो तो ये है कि हमने जो एक्रूवल इनकॉर्पोरेट करना है वो 114,000 का करना है। तो एक्रूवल जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा और टैक्स पेएबल क्रेडिट होगा। करंट ईयर से रिलेटेड भी हमने 52,000 की पेमेंट कर दी है तो जब आप पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम अब जो डाटा इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं उसकी बेस पर हम फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम टैक्स एक्सपेंस का अगर टोटल करते हैं तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बननी चाहिए, 108,000। इसी तरीके से हम टैक्स पेबल का टोटल भी कर लेते हैं तो कैरी डाउन बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 62,000। तो प्रॉफिट और लॉस में जो हमारा एक्सपेंस है वो 108,000 का शो होना चाहिए और टैक्स पेबल जो है हमारा 62,000 का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब इसको हम इस यहाँ से लेजर से तो हमने कैलकुलेट कर लिया है लेकिन साथ ही एक्सट्रैक्ट्स के अंदर भी कैसे प्रेजेंट करेंगे और एक अल्टरनेटिव डिस्कशन भी करेंगे कि इसे आपने अगर लेजर्स के बगैर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं।
तो प्रॉफिट और लॉस के अगर हम एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं तो सबसे पहले करंट टैक्स एक्सपेंस, और उसमें हमने करंट ईयर का टैक्स लेना। करंट ईयर का टैक्स क्वेश्चन में 114,000 गिवन। फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो ओवर प्रोविजन है 6,000 की, के पहले पिछले साल में ज्यादा एक्सपेंस बना दिया था 6,000 का, तो वो रिवर्स करेंगे, तो ये इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होगा, या इन अदर वर्ड्स रिडक्शन इन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होगा। तो प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट करते हैं, और बेस्ड ऑन दिस हमारे पास नेट फिगर आ जाती है 108,000। ये लेजर के अंदर भी हमारा एक्सपेंस यही कैलकुलेट हुआ है, और करंट एंड प्रायर ईयर के टैक्स की कैलकुलेशन कर लें प्रॉफिट और लॉस में, तो तब भी हमारे पास सेम फिगर आ रही है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं। तो करंट टैक्स पेबल हमें शो करना है। हमारी जो लाइबिलिटी है करंट ईयर से रिलेटेड वो 114,000 की है, और इसमें से 52,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो 52,000 निकाल देंगे तो अनपेड अमाउंट आ जाएगी जो लायबिलिटी के तौर पर शो होनी चाहिए। 62,000 सेम हमें टैक्स पेबल के लेजर से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।